अब तक आपने ना जाने कितनी शादियां देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी शादी दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी। खबर सोनभद्र से है, जहां ग्रामीणों ने मेंढक मेंढकी की शादी करवाई है और इस शादी में बढ़ चढ़ कर ग्रामीणों ने हिस्सा लिया है। ढोल नगाड़ों के बीच लोग नाचते भी दिखे। अब इन मेंढक मेंढकी की 7 जन्मों में बंधने की कहानी भी जान लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मेंढक मेंढकी की शादी कराई जा रही है। मेंढकी की मांग में सिंदूर भी भरा गया है, हल्दी भी लगाई गई है और बाराती भी नाच रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के सोनभद्र के गांव की है। दरअसल बारिश ना होने से खेती के नुकसान के चलते ग्रामीणों ने इंद्रदेव को मनाने के लिए ये रस्में की हैं। बताया जाता है कि ऐसे करने से बारिश की संभावना हो जाती है। आपको बता दें कि इस गांव के आदिवासी कम बारिश होने के चलते परेशान थे। उनकी खेती को भारी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते उन्होंने मेंढक मेंढकी की शादी करवाकर ये रस्म की है। गांव के प्रधान ने बताया कि ये परंपरा आदिवासी समाज के लोग लंबे समय से निभा रहे हैं और वो अक्सर ऐसा करते हैं। दरअसल इस गांव में ऐसा माना जाता है कि मेंढक मेंढकी की शादी से इंद्रदेव खुश होते हैं और फिर झमाझम बारिश होती है। इस तरह से किसानों को खेती को लेकर राहत मिल जाती है। पर हम आपको बता देंगे, ये कोई पहला गांव नहीं है जहां ऐसी रस्म की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के गांव में भी ऐसी ही रस्म की जाती है। आपको बता दें कि इस रस्म में ग्रामीण करीब 4 दिन तक पूरे गांव की परिक्रमा लगाते हैं, फिर 5वें दिन मेंढक मेंढकी की शादी करवाते हैं। अब इसे आस्था से जोड़ा जाए या फिर इसे अंधविश्वास कहें, पर जो भी हो, ग्रामीणों को इस रस्म में राहत तो मिलती है, तभी तो इतने लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।